हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? आई होप यू आर फाइन। सो फ्रेंड्स, आप लोगों ने दतमन का नाम सुना है। उसको हम लोग नेचुरली टूथपेस्ट या ब्रश कह सकते हैं, ये दोनों कह सकते हैं। तो आज हम लोग नेचुरली ब्रश से ब्रश करने वाले हैं टीथ को। तो सबसे पहले आपको बता दूं कि कौन सा जो पेड़ का ट्री का जो दतमन अच्छा होता है, और तो सब ज़्यादातर बहुत अच्छा होता है नीम का, क्योंकि उसमें एंटीबायोटिक और एंटी फंगल बहुत सारा होता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि नीम का पेड़ है, तो इसमें से एक दतमन तोड़ लेता हूँ। यहाँ पे कुछ इस तरह से ये हमारा है ब्रश। और फ्रेंड्स, आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा कि आप लोग कभी इस तरह का ब्रश से ब्रश किए हो या नहीं। तो अभी हम इसी से ब्रश करते हैं। और ये फ्रेंड्स हमारे दांतों के लिए बहुत ही लाभदायक होता है, तो इसी से आज हम लोग ब्रश करने वाले हैं। और जैसे कि हमें मार्केट में बहुत सारा टूथपेस्ट या टूथपेस्ट मिलता है जिसमें केमिकल से बना हुआ था, मगर ये नेचुरली टूथपेस्ट है और नेचुरली ब्रश भी। तो इसी से आज ब्रश करने वाले हैं। तो यहाँ पे से कुछ ऐसे ऐसे चबा चबा करके इसे थोड़ा मुलायम कर दिया जाता है। सो यहीं से चबाते हैं और मिलते हैं इससे ब्रश करने के बाद। बने रहिए कैमरामैन गोविंद कुमार के साथ। तो यहाँ पे मैंने ब्रश कर लिया है और यहाँ पे अब धोने जा रहा है। और फ्रेंड्स यहाँ पे से बीचों बीच ऐसे दांत से इसे काटा जाता है। कोई अभी कट नहीं रहा फ्रेंड्स। तो आई होप कि वीडियो पसंद आया होगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में ऐसा ही वीडियो के साथ। बने रहिए कैमरामैन गोविंद कुमार के साथ।